सूरजपुर पुलिस ने मासूम की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गोपालपुर में अपने नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रहे 9 वर्षीय मासूम का शव खेत के समीप झाड़ियों में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत का खुलासा होने पर एसपी राजेश कुकरेजा ने टीम गठित कर मामले की जाँच कराई, तो वहीं जाँच में खुलासा हुआ कि मासूम को आखिरी बार स्टेडियम निर्माण कार्य में लगे रूप नारायण नामक मजदूर के साथ देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने मजदूर से पूछताछ की, तो वहीं पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कि वहां गोपालपुर में जो स्टेडियम बन रहा है उसमें जो एक वर्कर काम कर रहा था उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जब इस वर्कर से हमने प्रथम चरण में पूछताछ की थी उसने उस समय आरोप इनकार किया था। पुनः जब हम दोबारा इस रूप नारायण पिता सुखदेव को हम सिलसिलेवार तरीके से बारीकी से जब हमने पूछताछ किया तब कल इसने अपने अपराध को करना स्वीकार किया। इसने यह बताया कि इस बच्चे के साथ में मैं दिशा मैदान करने गया था, फिर अप्राकृतिक संबंध बनाने के प्रयास में बच्चे ने विरोध किया जिसका मैंने इसका मुंह और गला दबा दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। और 4 तारीख की शाम को ही जो पर्री का सरना पारा का जो खेत है वहां पर इस बच्चे को मैंने